आंधी आ गई, बहुत तेज आंधी है। अब क्या करें, बिल्कुल अंधेरा हो गया है। ना हो तो, लेकिन थोड़ा सा बंदा काम तो कराते है। चलो चलो उठो जल्दी करो। सालन तकरीबन बन चुका है और सालन बनाया है जी अब्बू ने आज, मैं बना रही हूँ। बस सालन पक जाए तो मैं रोटियां बनाती हूँ। मेरे ख्याल से ये पालक गोश का सालन है, उसका पैकेज है ना वो ड्राई कर रहा है। अच्छा, कुछ लोग ना इसको फ्राई करते हैं पालक को फिर बनाते हैं, लेकिन मेरे अब्बू हमेशा बॉयल करते हैं। अब्बू कहते हैं फ्राई हुई हुई जो सब्जी होती है ना उसकी तासीर सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, ख़राब हो जाती है, इसलिए हमेशा बॉयल करके ही पका लेते हैं। तो इस तरह से इसलिए पानी है इसमें अभी खुश्क हो जाएगा, इसकी भुनाई हो जाएगी, फिर हम रोटी बनाते हैं। मैं डब्बा ले आई हूँ रोटियों वाला, कूलर चल रहा है, यहीं पे बैठ के मैं रोटियां बनाऊंगी। और खतीजा के साथ मैं करने जा रही हूँ प्रैंक, उसको नहीं पता, ज़रा उसको भी छेड़ लेते हैं। पहले तो देखते कर क्या रही है। क्या कर रही हो? प्रैंक कर रही हूँ, जैसे रोज करती हूँ। चलो उठो काम करो, जल्दी उठो उठो। क्यों, मैं क्या करूँ, सारा दिन बस बैठना होता है। छुट्टियां और मैं क्या करूं? जल्दी उठो, काम नहीं कराना होता साथ। आप इसलिए कर रही है ना क्योंकि मम्मा घर पे नहीं है। पहले मैंने ऐसे कभी किया मम्मा घर पे ना हो तो? लेकिन थोड़ा सा बंदा काम तो कराते है। चलो चलो उठो जल्दी करो, उठो ना मैं कह रही हूँ। हर टाइम बस बैठी रहती हो बैठी रहती हो, दूसरी का है वो भी बैठी रहती है। आप उनको तो कुछ कहती नहीं, मैं ही मिलती हूँ आपको कहने। वो पढ़ रही है, आप तो फजूल काम कर रही हो। चलो उठो जल्दी करो, उठ जाओ ना बस। चलो नहीं, उठो ना, नीचे मुँह करके क्यों बैठी हो, उठ जाओ। चलो यहाँ से बात नहीं करी, आप जाओ बस। मैंने मम्मा को फोन कर देना, उठो, खजे ने बदतमीजी की है। मैंने कुछ भी नहीं कहा, आप काम का मेरे पास आ जाओ बस। आप जाओ, मैं नहीं बात करी, इसमें रोने वाली क्या बात है? आप जाओ ना बस, बताओ ना इसमें रोने वाली क्या बात है? आप जाओ बस, छोटी छोटी बातों पे सिर्फ रोना होता है। खदीजा मजाक कर रही थी। खदीजा ऊपर देखो मजाक कर रही थी, ऊपर देखो। मैं भला ऐसे कर सकती हूँ? मैंने कहा चलो खतीजा को छेड़। गर्मी बहुत ज्यादा है, खाना अभी भी मैंने नहीं खाया। अब मैं करने लगी हूँ ड्रेस शिलिंग, क्योंकि शायद हमें भी गांव जाना पड़े। और अफसोस के लिए अम्मी तो वहीं पे, अम्मी तो अभी तक आए ही नहीं है। ज़ाहिर है अहमद के नाना अबू थे और उनसे वैसे भी रिश्ता था, अम्मी के कज़न हैं, फिर मोमानी के फादर हैं। ये ड्रेस मैं अम्मी का शिलिंग करूँगी। अच्छा, इसके साथ का जो ब्लैक वाला मैंने आप लोगों को दिखाया था, जिसपे अम्मी और मेरी जो है ना काफ़ी अनबन हुई थी, मैंने कहा तो मैं सिलवाऊंगी, अम्मी कहती मैं, मतलब बड़ा ही खूबसूरत ड्रेस था और वो शॉप पे लास्ट पीस बचा था। बस लड़ाई में टाइम ही नहीं मिला, ना अम्मी ने सिलवाया ना मैंने सिलवाया, पड़ा रहा बस। कल आप ही सनिया मुझे छोड़ने आई तो वैसे उनको मैं ड्रेसेस दिखा रही थी, मैंने कहा यही है मैंने लिए हैं इस तरह के हमने, तो उनको अच्छा लगा। कहती आशा ये ब्लैक सूट तो बहुत प्यारा है, क्योंकि वो भी ब्लैक कलर की दुश्मन है और मैं भी। फिर जी मम्मा ने सुन लिया कि उनको अच्छा लगा, तो मम्मा ने उनको जो है ना ज़बरदस्ती पकड़ा दिया कि बेटा आप ही ले जाओ, आप ही सिलवाना। मतलब बताने का मकसद ये है कि जिसकी नसीब में जो चीज़ हो, महीना पहले का वो ड्रेस आया हुआ है, महीना पहले से अम्मी और मेरा जो है ना बहस चल रही है कि मैं सिलवाऊंगी। लेकिन देखें जी, जिसके नसीब में था उसके पास चला गया, जो चीज़ नसीब में जिसकी होती है वो उसको मिल के ही रहती है, चाहे जो मर्जी कर लो। अच्छा, तो अम्मी का ड्रेस मैं शिलिंग करूंगी, साथ में अपना करूंगी। अपना इसलिए क्योंकि मैंने जो और ड्रेसेस अपने स्टिच किए हैं वो थोड़े हैवी टाइप में लेसों वाले हैं, इसको मैं सिंपल स्टिच करूंगी, क्योंकि अगर गाँव जाना पड़े तो फिर मैं ये पहन जाऊंगी नरम सा। इसको बस शिलिंग करती हूँ, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। खदीजा बाहर फुल बादल आ गए हैं, आओ दिखाने चलो, आओ चलते थोड़ा सा मौसम एंजॉय करते हैं। ये जी दूसरी बहन यहाँ लेटी हुई है अपना सुकून से, आ जाओ। धूप, ये देखो बादल देखो, क्यों नहीं आ रहे सारे बादल ही तो हैं, बाहर जाके देखो, बाहर चलो ना। वो देखो कैमरे में तो सारे आ रहे हैं। नहीं जी ये बरसे में, ये भी सही अभी। हाँ
मैंने सूट देखो सूखे हैं, मैंने शिलिंग किए हैं, अभी गीले हैं। मैं सोच रही हूँ खदीजा इसकी ना मैं वो सीऊं कमीज शलवार, हाँ अच्छी लगेगी मुझ पे खदीजा। पहला वाला जो मैं टू पीस लेके आई थी उसकी भी फ्रॉक सी थी, वो मैंने बुशरा को दे दी है, पहनी नहीं जाती अब, बस कमीज शलवार में सी कुछ सीना है, वो तो अम्मी का है, इसका मैंने सीना है कमीज और शलवार जो हम पहले जमाने में नहीं पहनते थे शलवारें, वो वाला, वो जो जिसमें बकरम देते थे पैंचों में, हाँ वो वाले पहनने का दिल कर रहे हैं। तुम भी मेहरबानी करो थोड़ा सा ट्राउजर शर्ट चेंज करो, नहा धो के बंदा कपड़े पहन ले, कोई बंदा वो जो है ना अहद तोड़ दे के नहाने वाला कि मैं गर्मियों में एक बार नहाऊं। लेकिन अच्छा मम्मा नहीं थी वही ना, कि मम्मा जबरदस्ती नहलाती, वैसे नहीं दिल करता हमारा नहाने का, है ना, बिल्कुल भी दिल नहीं करता, नहा लो तोड़ दो ये वादा ना नहाने वाला। अच्छा खदीजा ये सारा मैं आप लोगों को गाइस बताती हूँ, जिस दिन मैं नहीं थी और घर में पानी आ गया था, पानी कहाँ कहाँ तक आया था, ये यहाँ तक आया था, यहाँ तक जी भर गया था सारा पानी, एक तो यहाँ से आया था बाहर से पानी आया था, अब ये नहीं समझ आती यहाँ से कैसे आया था बाहर, सड़क का सारा पानी हमारे घर में था, इसलिए ये देखें यहाँ पे इस तरह के निशान बन गए हैं, पूरा सहन भर चुका था, दो दिन तक और अच्छा बहुत दफा हमने पानी डाला, सर्फ डाला, झाड़ू से पानी से फिर हमने साफ किया, दो दिन तक फिर अभी भी घर स्मेल से है, अभी स्मेल हो रही है, हमारा किचन भी सारा भर गया था, वहाँ से भी जो है ना बर्तन निकाल लिए हैं, और ये देखें ये जो हमारे वाला रूम है ना ये भी ऊंचा नहीं था, ये भी सारा भर चुका था सारा का सारा, भी आने वाला था लेकिन सीढ़ी थी थोड़ी सी, ये मैंने जूते निकाले हैं अभी साफ करके रखूंगी, कौन सा दूसरे रूम में, दूसरे रूम में पूरी दूसरी सीढ़ी यहाँ तक आ गया, फिर हम अचानक पता चल गया मैं और मम्मा रात को ना 12 बजे अंदर आ गए थे जब बारिश हुई, तब हमने कहा कि ना मैंने मम्मा को उठाया कि ना मुझे वॉशरूम जाना है, मम्मा मुझे लेके आई, अचानक ही डर गए हो गए कि अचानक पानी कहाँ से आ गया, बारिश हो रही है, फिर बाबा बोल रहा है, फिर वो सब लोगों ने फिर मिलके इसको किया। देखिए जी अब एक यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगी मैं मालिक मकानों से कि काइंडली इस तरह के घर ना बनाया करें जिसमें बहुत मुश्किल हो, क्योंकि जो किराएदार होते हैं वो भी इंसान होते हैं, वो जानवर नहीं होते, जाहिर मजबूरी के तहत इंसान रहता है, और इंशाल्लाह अब हम शिफ्ट भी हो जाएंगे अपने घर में, चलो तुम अपना जो है ना अहद तोड़ो और नहाने जाओ, शाबाश, अभी तो गर्मी है 4 बजे तो गर्मी में ही नहाते होते, सर्दी में नहाते हैं, मेरे ख्याल से सर्दी में नहाते थे, अभी नहीं सोचा मौसम ठंडा जाए, चलो मैं क्योंकि ये देखिए ना हमारे वॉशरूम है उधर हम जाते हैं तो फिर वहाँ पे ना घुटन हो जाता है, हाँ वो है ना ओपन वॉशरूम में फुल धूप है, चलो खुश हो जाओ, देर से नहाना पड़ेगा, बचत हो गई, हाथ दे खदीजा, हाथ दे वैसे हाथ दे कसम से, तिजोरी में रखवा दें इसको, वैसे कसम से हो गई है ना, अब जो जूते कपड़े ना वो भी इंसान को मेरे ख्याल से तिजोरियों में रखवाने पड़ेंगे, नहीं तो इनका भी चोरी होने का खतरा है, हो सकता है बंदे करवाते हैं चोरी, अब तो कपड़े जूते ही चोरी होने उधर जितने ही है, मैं इसका ना यहाँ से भी साफ करके रखूंगी। मैं एक ड्रामा देख रही थी उसमें ना एक सीन आया कि ना फुप्पो और फुप्पी आए हैं अपनी बेटी के साथ, तो ना ड्राइवर को ना उन्होंने ना ड्राइवर के साथ आए हैं, मतलब जो गाड़ी का था टैक्सी का, तो क्या होता है वो उसको टैक्सी वाले ने 500 मांगा, उन्होंने 350 दे दिया, उन्होंने सामान रखा, कहा हम अंदर से ना बच्चे को बुला के रहते हैं वो लेके जाएगा सामान, वो अंदर चले गए टैक्सी वाले। ये मेरा निकाह वाला शूज है, इसको मैंने पहन पहन के इसका बेड़ा गर्क कर दिया है, मुझे ये बड़ा पसंद था, हालांकि इसकी हील है लेकिन कम्फर्टेबल बहुत था, इसको मैंने बहुत पहना, ये देखो अभी यहाँ से खराब होना स्टार्ट हो गया, जितनी भी महंगी चीज हो ना इसको एक साथ होने वाला। ये है जी स्किन पॉलिश और ये अम्मी लेके आई है, पहले तो मैं ड्यू वालों की लेके आती हूँ, और ये अम्मी लेके, अम्मी ने कहा कि शॉप वाले अंकल ने कहा कि इसका रिजल्ट और भी बेस्ट है, स्किन अप, कोई इसका स्पेशल ब्रांड नहीं है, भी लोकल मार्केट से है, लेकिन उन्होंने कहा ये बहुत जो है ना अच्छी है, तो मैंने यूज़ नहीं की, अभी मैं इसको यूज़ करूँगी, और एक लेके आई है फेयर एंड लवली, ये वाइटनिंग और विटामिन ई के कैप्सूल्स, और ये है जी कोकोनट ऑयल। अच्छा अम्मी को कोकोनट ऑयल बड़ा पसंद है, गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, है ना खदीजा, और बादाम रोगन का भी, अम्मी ने हमेशा मुंह का मसाज करना होता है, ये है जी स्किन पॉलिश का ब्रश, दूसरा वाला पड़ा तो था वो कहाँ गया, वो टूट गया, वो टूट गया, हाँ
वो टूटा पड़ा था, हमने कहा शायद आपसे टूटा है गलती से। नहीं मुझसे तो नहीं टूटा, उधर आपने लास्ट टाइम जो मेरे ख्याल से स्किन केयर की थी तो आपने ना रख दिया था उसको। अच्छा, तो फिर जब हमने देखा ना लगाने के लिए हमने उठाया तो वो टूटा हुआ था, तो फिर ये। अच्छा चलो सही है, कोई नहीं। इस तरह की टोकरियां हम दो लेके आई, एक मेरे लिए एक अपने लिए, ताकि जो हम ये सारी चीजें जो है ना इधर उधर रुलती फिरती रहती है ना तो वो एक जगह पे रहें। ये देखें आपकी वाली पे कब्जा कर, हाँ मैं देख रही थी आपने मेरा सामान निकाल लिया, वॉश करके अच्छे से मैंने उस पे कब्जा कर लिया। हाँ वही मैं देख रही थी, आपने मेरा सामान निकाल के ना, मैंने निकाला थी ना, बड़ी खाली थी, खाली पड़ी थी, तो मैंने उसको ना अम्मी ने कहा आप उठा लो, मैंने वॉश किया, फिर मैंने सामान रख लिया। अच्छा ये कपड़े वॉश हुए हुए हैं और ड्राई हो गए हैं। अतीजा मैं कहती हूँ ये लपेट, आप लपेट लो इन्हें, क्या ख्याल है? हाँ अभी वो लास्ट में कमरे में पड़े हैं, कुछ पड़े हैं, वो तो बुशरा ने उतारने थे ना बाहर से, उतारने थे और वो मतलब उधर लास्ट में रूम में पड़े हैं उतारे हुए। अच्छा यही वाले हैं, यहाँ तो गर्मी बहुत है, मैं कहती हूँ इसको ले चलते, कूलर उधर चल रहा है, उधर बैठ के ना लपेटते हैं सुकून से। ठीक है दोबारा से पानी आ जाना है, इसलिए फर्स्ट टाइम जूते वगैरह भी उठा लेते हैं, क्योंकि अभी शिफ्टिंग में तो तकरीबन एक हफ्ता बाकी है ना। मम्मा भी आ जाए फिर मिलके हम स्टार्ट। हाँ मम्मा जी हमारी गांव गई हुई हैं और खदीजा बहुत याद कर रही है मम्मा को, और उम्मीद है मम्मा जो है ना आ जाएंगी, शायद हमें जाना पड़े। नहीं बाबा ने कहा था घर में से हम नहीं जाएंगे, हमारा कैंसिल हो गया, मम्मा खुद आएंगे या फिर कल मामू वगैरह के साथ आएंगी या फिर परसों। अच्छा चलो, अगर मम्मा ने आना है ना फिर तो वो हफ्ते बाद ही आएंगी है ना। हाँ जी, वो डिले करती रहेंगी, कल आ जाऊंगी, मायके जो गई है, मायके गई है, मायके से बंदा फिर ऐसे नहीं मुड़ता। सिर्फ उन्होंने अभी तक एक कॉल अटेंड की है हमारी, सुबह हम की। अपनी अम्मी के साथ बिजी होंगी ना बातों में, वही बात है, गॉसिप्स। बुशरा को बुलाओ, बुशरा चेक करो, अभी तुम कह रही थी कि बादल नहीं है, कितने कॉले बादल आ रहे हैं। अब आप लोगों को पता है कि हमने क्या करना है अगर बारिश आ गई तो? नहीं पता बाबा, घर नहीं है, घर पे गए। अल्लाह अल्लाह, घर पे कोई भी नहीं है, और खतीजा हम लोग क्या करेंगे, ये तो पानी भर जाएगा, ये किसी तरह नहीं, क्या करते हैं समझ नहीं आ रहा, कैसे हमें तो इतना नहीं है ना, ज़्यादा पता नहीं। अच्छा ये पहले ये तो उतारो, असल में मम्मा विलेज गई हुई है, अहमद के नाना अबू फौत हो गए वहाँ, वो पता नहीं किस दिन आएंगी, दो तीन दिन बाद। अबू जो है ना वो घर के कंस्ट्रक्शन और ये वहाँ आए हैं तीनों ही, और ये बादल बन रहे हैं। पहले भी ये घर जो है ना बारिश आई है, हफ्ता पहले घर डूब गया था, अब हमें समझ नहीं आ रही इसको कैसे जो है ना मैनेज करना है। अल्लाह ताला रहम फरमाना प्लीज़, बहुत काले बादल हैं। बाबा तो फ़ोन भी घर रख के गए हैं, वो तो अपना आज फ़ोन भी नहीं लेके गए, और हमें इतनी टेंशन हो रही है। अच्छा इसको मेरे रूम में रख दो, और ना इस रूम में फर्श में ना जो जो चीज़ें नीचे पड़ी हैं ना ये पर्स पे उठा के ना ऊपर रखो। हाँ ये रूम हमारा डूब गया था, इसलिए इसको जो है ना दोबारा हम साफ नहीं कर सके, साफ करने के बाद भी नीचे टोकरी पड़ी है ये। अच्छा मम्मा को तो कॉल करो, कब आएंगे पूछो तो सही। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कॉल किया, 15 मिनट, उन्होंने अटेंड नहीं की, चलो दोबारा करो। ये जी गाइस आप लोग कहेंगे इन्होंने यहाँ गंद रखा हुआ है, ये गंद नहीं है, असल में ये सारा काम खराब हुआ था, ये जो सहन डूब गया था फिर यहाँ से जो है निकाल के इसके ऊपर रखा था, ये कौन सा चलता है, तो इसीलिए जो है ना बस ये अब हम सब कुछ हटा देंगे, साफ कर देंगे, फेंक देंगे शिफ्टिंग दौरान, बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो रहा है। एक मिनट मैं ना यहाँ पे चढ़ के दिखाती हूँ, ये देखें बहुत कोई शदीद किस्म का तूफ़ान लग रहा है जो आने वाला है, बस दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला रहम करें, और समझ नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा जो है ना काम ख़राब लग रहा है। कूलर खदीजा उसमें से धुआं निकल गया है, मम्मा नहीं उठा रही, रात को क्या कैसे सोएंगे, और क्या हमें अंदर सोना पड़े तब क्या करेंगे, ऐसी किस्मत भी खराब होती होती है। अल्लाह अल्लाह, अगर बारिश आ गई ना हर तरफ से पानी निकल के हमारे घर में आ जाना है, और बाबा भी फोन घर पे रख के गए हैं, पानी वाला सारा पानी उधर नीचे से आ जाता है, फिर वो उधर से आ जाता है, जो नाले बने हुए ना उधर से आ जाता है बाहर वाला पानी, तो जब बस दुआ हजा हवा शुरू हो गई, हो गई स्टार्ट। ये देखें परिंदे कैसे उड़ रहे हैं, खतीजा बहुत बहुत काम खराब लग रहा है, ये मेरे ख्याल से वहां से आंधी है, अब्बू भी बाहर होंगे, आंधी आ गई, बहुत तेज आंधी है, अब क्या करें, बिल्कुल अंधेरा हो गया, बहुत तेज आंधी आ गई है, हम क्या करें हम लोग?
पता नहीं कैमरे में फील हो रहा है कि नहीं, बुशरा आंधी आ गई है। मैं फोन चार्जर पे लगा। हाँ ये ना हो कि हम कॉल करने से भी रहें, किसी को हम कॉल भी ना कर सकें, बहुत तेज आंधी आ गई है। बुशरा कि कैमरे में इतना ज़्यादा कैप्चर नहीं हो पा रहा, लेकिन बिल्कुल अंधेरा हो गया है। एक दिन मैं यहाँ से बस रास्ते में ना हो, टेंशन होती है। आंधी बहुत तेज आ गई है इस तरह से, और मैं पिछले सहन में आई हूँ। अल्लाह अल्लाह, ये देखें जी, ये बैठे हैं छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे। यहाँ हमने सारा अपना पुराना सामान रखा हुआ है। चलो कोई नहीं कोई नहीं, बैठो भाई अपने बच्चों के साथ। इसके बच्चे वो इसके नीचे हैं, तकिए के नीचे हैं। हमने तकिए रख दिए ताकि बच्चे आराम। अच्छा आप लोगों ने रखा था। अच्छा चलो जी बैठो बैठो, नहीं कुछ कहती मैं।